अलवर के रामगढ़ में बहादुरपुर मोड़ पर कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्राचीन भवन में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक साफिया जुबेर, विशिष्ट अतिथि प्रधान नसरू खान ने किया और इस दौरान सीएमएचओ ओम प्रकाश मीणा और विधायक साफिया जुबेर ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 10 लाख रूपये तक का निःशुल्क उपचार, राज्य में चलाई जा रही जनहित की अन्य योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए अधिवक्ता राजकुमार यादव ने विधायक से रामगढ़ कस्बे के अंदर थाना, सीएचसी और पशु चिकित्सालय को कस्बे से बाहर खुली जगह में स्थानांतरित करने की मांग की। पंचायत समिति में स्वास्थ्य मेला लगाया गया है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी, अशोक गहलोत जी और समस्त कांग्रेस की सरकार जन भावनाओं को देखते हुए काम करती है। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा इशू है, खासतौर पे जब से कोरोना आया है तो बहुत जागरूकता स्वास्थ्य के प्रति बढ़ी है। हमारे मुख्यमंत्री ने चाहे इलाज फ्री, दवा फ्री, जाँचें फ्री, चिरंजीवी योजना में 10 लाख का इलाज फ्री, फिर भी लोग वंचित रह जाते हैं, इसलिए हर ब्लॉक में ये मेले लगाए जा रहे हैं। समस्त प्रकार के डॉक्टर्स यहाँ उपलब्ध हैं कि जिनको नहीं भी पता है वो भी तुरंत आके यहाँ अपना इलाज करा लें और दवाई फ्री में उपलब्ध करा लें। 37 प्रकार की जाँचें भी यहाँ फ्री हो रही है। मुझे लगता है कि जनता को चाहिए कि इन सरकारी योजनाओं का लाभ लें और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके खर्चा करते हैं, आमदनी वैसे ही कम होगी, महंगाई इतनी बढ़ गई है, केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया है, सब कुछ महंगा हो गया है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा फायदा लोगों का हो नहीं सकता। हजारों करोड़ों लोगों की जान इन योजनाओं के द्वारा आज की तारीख में बच सकती है। तो मैं धन्यवाद दूंगी मुख्यमंत्री जी ने होगा जिन्होंने आम लोगों की इस सुख के बारे में, इस दुख के पलों के बारे में सोचा, उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएँ सभी फ्री करें।